अरे भाई छोड़ो, ए जाने दो उस बच्ची को, जा बाबू हटेगा। अस्तगफिरुल्लाह, उसे तो आप ढंग से खाना भी नहीं बनाने आता है, पता नहीं क्या हो उस गवारन का। अरे मैं सबको भेज दिया ठीक है। अरे ओ गवारन, खाना नहीं बनाने आता तुझे? हां जी अच्छा है, खा लूंगी। अब तेल डालने मना किया तो तेल ही नहीं डाला, मसाले ही नहीं डाले, जमा हो जाए यहां से। हां जी खा लूंगी। अरे ओ आओ हाथ धोले। सर इन लोगों को कितना ड्रेस चेंज करना पड़ रहा है, जब इट्स अ बिगर प्रॉब्लम। इसके लिए वो माइक चाहिए। बुरों को देखो ना कितनी हंसती है। तुम कर क्यूट से स्माइल कैप्शन। तुझे इतनी सी भी नफरत नहीं है, पहले बुजुर्ग से शुरू करते हैं कोई भी चीज। नहीं मां जी जी क्यूट स्माइल फोटो मत कर सही से ना, फोटो मत तोड़ देना मेरा। नहीं मां जी, ये सांस बड़ी जालिम है भाई, बड़ी जालिम सांस है। मनुष्य का परफॉर्मेंस देखिए को सास से। और मेरी प्यारी नैना वो पड़ोस की आती है ना भड़का रहा है, वही है ना। हां तो धो उसका करोल बहुत रहता है उसमें। मुस्कान, मुस्कान है ना, हां वही। अरे कल वही इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मां। अच्छा नौना दे सो। हां हाँ माँ जी, मेरे पास एक आइडिया है। क्या है? उसके खाने में छिपकली का जहर मिला के दे देते हैं, हमारे रास्ते का कांटा भी साफ हो जाएगा। हाँ बहू तू बहुत सही आइडिया दी है। हाँ माँ जी, ऐ छिपकली का जहर कितना खतरनाक है। कैसे पैसे? 2 लाख बोले थे तुझे दहेज के, वो भी नहीं दी है तू।
इतने पैसे मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास नहीं है इसका क्या मतलब है? आप क्या दहेज के पैसे भी मैं नहीं ना ऐसा तीन गो भाई के तीन गो बहू दू गो बहू मतलब पैसा देले बारी सने को नहीं खे दे रहे दू गो देले बारी सने एक हो लिया जाओ यहाँ से दफा हो जाओ। एक बार मेरी बेटी को दिखा दो दीजिए। नहीं पहले पैसे लाके दो उसके बाद अपनी बेटी को लेके जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से दफा हो जाओ। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। अगले दिन बेटी की माँ चली जाती है। नेक्स्ट डे इसके अगले दिन क्या होता है देखिए। बहू आज तो घूमते घूमते बहुत थक गई हूँ, जा जाके खाना लेके आओ। मैं क्यों लाऊं? मैं तो 5 लाख रुपए लेके आई हूँ, मैं क्यों लाऊं? अब क्या मैं ही खाना बनाऊं क्या? तेरे कहने का क्या मतलब है? हाँ तुम बनाओ, तुम्हारी बेटी से बोलो मैं क्यों बनाऊं। ठीक है बहू, बेटी जा खाना बना दे, आज मैं बहुत थक गई हूँ। मैं बनता मेरे क्या नहीं काम कर रहा। देखिए सास खुद काम कर रही है क्योंकि ये जो बहू है ये दहेज लाई थी इसलिए काम करवा रही है। नमस्ते नमस्ते। ठीक है ठीक है, आपकी बेटी को मैं ले जाने आई हूँ। नहीं नहीं मेरी बेटी मेरे साथ मेरे आगे आगे तो आज क्यों क्यों इतना जुर्म करने के लिए? मुझे अपने पछतावे का मुझे अपना पछतावा हो गया है। नहीं 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 चल बहू, अब मैं तुझे बेटी जैसा रखा का यूट्यूब पर डिलीट भी हो सकता है। हाँ हो जाएगा, डाले का वो चाहेगा तब ना डिलीट। हाँ तो हम ही डिलीट करेंगे अगर हमारी चाहे। ना ही कोई सास गलत होती है, गलत होती है इंसान की सोच। तो आप सब से निवेदन है कि आप अपनी सोच को बदले और दहेज ना लें। बस शुक्रिया।